एक एक शब्दों को देखते हुए, वर्णमाला के एक एक शब्दों को जानते हुए, अल्फाबेट सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम आज बात करेगी वी के बाद कौन सा शब्द आता है, डब्ल्यू। डब्ल्यू ये सिखाता है वाव लाइफ, हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए, वाव लाइफ। अपने गुजराती में वाह कहिए ना, इन इंग्लिश में वाव कहवाए। कहते हैं कि हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए, कहा के वाव लाइफ। लाइफ सुंदर होनी चाहिए, अद्भुत होनी चाहिए, बेहतरीन होनी चाहिए। और इसीलिए शास्त्रकार भगवंत ने बताया कि जीवन में डब्ल्यू भी बड़ा महत्वपूर्ण है। डब्ल्यू शब्द भी हमारे लिए सद्बोध देने वाला है, हमारी सद्बुद्धि को जागृत करने वाला है, हमारी सद्बुद्धि को बताने वाला है, ऐसा डब्ल्यू शब्द है। और डब्ल्यू शब्द से हमें क्या सीखना है, तीन कौन से ऐसे डब्ल्यू है जिसको हमें संभालना है, उसकी बात आज हम करेंगे। बराबर समझ लेना, W में सबसे प्रथम शब्द है वॉच, WATCH वॉच। वॉच के दो अर्थ है, एक तो घड़ी भी हो सकती है और दूसरा अर्थ देखना भी हो सकता है। और दोनों अर्थ हमारे लिए मायने रखते हैं, दोनों अर्थ हमारे लिए महत्वपूर्ण। कहा W हमें सबसे पहले यह संदेश देता है कि भाई घड़ी संभाल ले, समय को संभाल ले। जीवन में जिसने समय संभाल लिया उसने सब कुछ संभाल लिया। और इसीलिए हमारे यहां लिखा गया ना, समय बड़ा बलवान है नहीं मनुज बलवान, काबे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण। समय चलता है जीवन में, और क्या चलता है इंसान का। आदमी ये भ्रमणा में जीवन जीता है कि मेरी बुद्धि चलती है, आदमी ये भ्रमणा में जीवन जीता है कि मेरा पुण्य चलता है, आदमी ये भ्रमणा में जीवन जीता है कि मेरी कहीं ना कहीं ताकत चलती है। लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि कुछ भी नहीं चलता, न बुद्धि चलती है, न ताकत चलती है, न शक्ति चलती है, न सत्ता चलती है, न धन चलता है, कुछ भी नहीं चलता। एकमात्र जीवन में चलता है तो समय चलता है, बस और कुछ नहीं चलता। ये गर्मी में मत रहना कि मेरे पास धन है इसलिए मेरा जीवन स्मूथली चल रहा है। अरे मैं तो कई बार कहता हूं कि जीवन है, धन का कुछ भी भरोसा नहीं। हर्षद मेहता में से नरसिंह मेहता बनते कभी देर नहीं लगती। कब जीवन में पलटवार आ जाए, कब जीवन में बदलाव आ जाए, कब चोटी से नीचे गिर जाए। और कई बार मैं कहता हूं कि जीवन में समझिएगा, चढ़ने में बड़ी देरी लगती है, गिरने में कहां देर लगती है। गिरने में किसको देर लगती है, शिखर पर चढ़ना हो, पहाड़ पर चढ़ना हो, चोटी पर जाना हो, बड़ी देर लगती है। कभी कभार महीने निकल जाते हैं, हम नहीं पहुंच पाते, लेकिन गिरने में कौन सी देर लगती है। एक पल में आदमी गिर सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जीवन में ये हमेशा दिमाग में बिठा करके रखना कि न आपकी संपत्ति काम लगती है, न आपकी संपत्ति चलती है, न आपका पुण्य चलता है, न आपका शरीर चलता है, न आपकी शक्ति चलती है। चलता है तो इंसान का समय चलता है, और जब तक समय सही चलता है तब तक कोयले में भी हाथ डालो तो हीरा बाहर निकलता है, और जब समय पलट जाता है तो हीरा भी कोयला बन जाता है। समय बड़ा बलवान है, और क्या संसार में बलवान, सबसे बली कौन, समय। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे यहां बड़ी सुंदर परंपरा थी हाथ में घड़ी बांधने की, ताकि समय हमेशा याद रहे। घड़ी भी हमें कुछ ना कुछ संदेश देती थी। और घड़ी का जो सेकंड कांटा है, सबसे छोटा कांटा जो है, वो चलते चलते हमें संदेश देता था, चलते चलते हमें सिखाता था, चलते चलते हमें बचाता था कि भाई समझ ले, एक जगह पर टिक कर कभी कुछ रहता नहीं, चाहे वो धन हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे पुण्य हो, चाहे लक हो, चाहे नसीब हो, चाहे प्रकाश हो, चाहे कुछ भी हो, सब अस्थिर है, सब चलते रहता है। जीवन किसी की राह नहीं देखता, जीवन चलते रहता है, और चलने का नाम ही तो जीवन है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में समझिएगा, घड़ी का संदेश सीखिएगा, घड़ी का संदेश समझिएगा। घड़ी ये बताती है कि भाई कुछ भी टिकने वाला नहीं है, टिक टिक करके जो सेकंड काटा चल रहा है वो हमें संदेश देता है कि भाई कुछ भी टिकने वाला नहीं है संसार में। तू ये भ्रमणा में मत रहना कि मेरा धन टिक जाएगा, ये भ्रमणा में मत रहना कि मेरा परिवार टिक जाएगा, ये भ्रमणा में मत रहना कि मेरा पुण्य टिक जाएगा। कुछ भी टिकने वाला नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में ये सूत्र याद रखिएगा, समय बड़ा बलवान, और कोई बलवान नहीं है।
तीन डब्ल्यू को संभाल ले तो जीवन हमारा वाव लाइफ हो जाए। नंबर वन वॉच, नंबर टू वर्ड, डब्ल्यू ओ आर डी वर्ड, वर्ड यानी, वर्ड यानी शब्द। कहा शब्द भी बड़े मायने रखते हैं। संसार में आप देखिएगा सभी परेशानियों का मूल यदि कोई है तो आपके शब्द हैं और कुछ भी नहीं। आप मार्क करिएगा, घर टूटा बिकॉज ऑफ शब्द, संग टूटा शब्द की वजह से, समाज टूटा शब्द की वजह से, धर्म भी टूटा तो कहीं ना कहीं शब्द की वजह से। कोई पंथ अलग हुए, कई गच्छ अलग हुए, कोई ना कोई अलग हुए। जहां जहां अलग होने की बात आती है, जहां जहां टूटने की बात आती है, वहां आप देखोगे तो कहीं ना कहीं भीतर में आपको प्रतीत होगा कि शब्द ही है और कुछ भी नहीं है। संसार में तोड़ने का काम शब्द करता है और जोड़ने का काम प्रेम करता है। वही शब्द में यदि प्रेम मिल जाए तो वो जोड़ने का काम करने लग जाते हैं, और यही शब्द बिना प्रेम के है, रूखे सूखे है, तो वही शब्द तोड़ने का काम कर लेते हैं। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में शब्दों को संभाल लीजिए, बस और कुछ नहीं संभालना। शब्द में हम बड़े चूक जाते हैं, और मैं तो कई बार कहता हूं कि इंसान मौन रहना सीख जाए तो 80% समस्याओं का समाधान ऐसे ही निकल जाए। हमें मौन रहना नहीं आता, और हमारी तो दिक्कत यह है कि हमें बोलना भी नहीं आता, मौन रहना भी नहीं आता। बोलना भी आता है नहीं आता, मौन रहना भी आता है वो भी नहीं आता। हम बोले तो भी परेशानी और चुप रहे तो भी परेशानी, हमें यही नहीं आता। हमारे साथ बड़ी समस्या है, क्या बोलना वो भी हमें नहीं आता। मैं तो कई बार कहता हूं कि बोलना सीखने में 6 महीने 1 साल 2 साल लग जाते हैं। छोटा बच्चा जब बोलना सीखता है, धीरे धीरे एक एक वर्ड बोलते जाता है, एक एक शब्द दोहराते जाता है, तब तक उसके शायद 2-4, 6 महीने 1 साल 2 साल 3 साल निकल जाए। बोलना सीखने में शायद 3 साल निकल जाए और आदमी बोलना सीख जाए, लेकिन क्या बोलना ये सीखने में पूरा जीवन निकल जाता है। क्या बोलना, कब बोलना, किसके सामने बोलना, कैसे संयोग है, कैसे प्रकार की वाणी का उच्चारण करना, यही हम नहीं सीख पाते। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शब्दों को संभाल लीजिए। आप ये चाहते हो कि आपके जीवन में कोई भी तरह की समस्या ना हो, आप ये चाहते हो आपका परिवार बंधा हुआ रहे, आपका परिवार जुड़कर रहे, जितना टूटना था उतना तो टूट गया, लेकिन जितने हैं वो भी मिलजुल कर रहे, शांति से रहे, प्रेम से रहे, तो एक ही चीज संभालनी है, आपके शब्द संभाल। संसार की आधी से ज्यादा समस्या शब्दों की वजह से पैदा हुई, और इसीलिए डब्ल्यू हमें सिखाता है, नंबर वन वॉच, नंबर टू वर्ड, शब्दों को संभाल लो। शब्द बड़े बेशकीमती है, शब्द बड़े बहुमूल्य है, और शब्दों को ऐसे ही हम जाया नहीं कर सकते, ऐसे ही व्यर्थ नहीं गवा सकते। शब्दों का बड़ा सोच समझ कर इस्तेमाल करना है। और डब्ल्यू तीसरा शब्द हमें देता है वेट। वेट यानी रुको, जरा राह देखो, प्रतीक्षा करना सीखो। वेट W तीसरा हमें शब्द देता है कि तीन W को जरा हम समझ ले, उसके ऊपर दृष्टिपात कर ले, उसके भीतर कहीं ना कहीं उतर कर जान ले, तो निश्चित तौर पर हमारी लाइफ वाव लाइफ बन सकती है। लेकिन कहा कि तीसरा शब्द कौन सा, वेट। और ऊपर के दो शब्द तो फिर भी हम समझते हैं, लेकिन तीसरा वाला तो आज के समय में आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा कुछ मिस हुआ तो वो पेशेंस चला गया, वेट करने की क्षमता खत्म हो गई, प्रतीक्षा करने की ताकत आपकी खत्म हो गई। जो रुकने की संभावना थी, जो रुकने की क्षमता थी, जो प्रतीक्षा करने की क्षमता थी, पहले के समय में क्या होता था, आप किसी को पत्र लिखते थे, ना उस समय कुरियर थे, ना उस समय ईमेल था, ना उस समय ऐसी कोई व्यवस्थाएं थी। आपने पत्र लिखा, हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में पहुंचा, उसने पत्र देखा,
शांति से एक दो दिन में उसका प्रत्युत्तर लिखा, लिखकर वापिस आपको भेजा, वापिस हफ्ते 10 दिन में आपके पास पहुंचा। किसी को पत्र लिखने के बाद उसके प्रत्युत्तर के लिए आपके पास 15 दिन का पेशेंस था, और आज प्रत्युत्तर के लिए आपके पास पेशेंस कितना है? किसी को फोन करने के बाद वापिस फोन आवे तब तक आपके पास कितना पेशेंस? जो 15 दिन का पेशेंस था वो 15 मिनट का भी नहीं रहेगा। एक बार फोन कर ले, ना उठाया, दो बार कर ले, तीन बार कर ले, चार बार कर ले, लगातार बार बार हम करते रहेंगे क्योंकि हमारे पास पेशेंस नहीं है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अच्छी चीजों में समय लगता है, जल्दबाजी में कभी अच्छी चीजें प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए जीवन में थोड़ा पेशेंस बनाए, वेट करने की क्षमता तैयार करें, कहीं ना कहीं रुकने की क्षमता तैयार करें, कहीं ना कहीं प्रतीक्षा करने की क्षमता तैयार करें, क्योंकि प्रतीक्षा, हमारे यहां तो कहा गया कि धीरज के फल मीठे होते हैं। जिसको धीरज रखना आ गया, जिसको पेशेंस लेवल जिसका अप है उसके जीवन में परेशानियां कम है, पेशेंस लेवल जिसका डाउन है उसके जीवन में परेशानियां बहुत ज्यादा है। इसलिए अपने पेशेंस लेवल को बढ़ाए। और तीसरा W हमें यह सिखाता है, वेट करने की क्षमता तैयार कीजिए, प्रतीक्षा करने की क्षमता तैयार कीजिए, तभी जाके आपकी लाइफ वाव लाइफ बन सकती है। तो आओ W के शब्द से हम कुछ ना कुछ संदेश ले, कुछ ना कुछ बोध ले। 3 W जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर में वॉच, नंबर 2 और नंबर 3 वेट। वॉच, वर्ड एंड वेट, ये 3 W यदि हमारे जीवन में आवे तो हमारी जिंदगी भी वाव लाइफ बन सकती है। प्रेम, भक्ति, आराधना, प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।